बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। याद रखिए, सॉल्व करने का मेथड जो था वो यही था कि आपको हमेशा अपने फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है, तो इस वाले टर्म को हमने इधर शिफ्ट करके dx कॉमन निकाल लिया। dx कॉमन निकालने के बाद ये dx को हम इधर शिफ्ट करने वाले हैं और x को इधर शिफ्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास dy by dx की एक वैल्यू आ गई। dy by dx की एक वैल्यू आने के बाद हमें अब चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस का चेक करने के लिए आपको इक्वेशन को dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही चेक करना है। डिनोमिनेटर में देखिए एक सिंगल टर्म है, मतलब इसका पावर 1 है। अगर इसका पावर 1 है तो जितने भी टर्म्स हैं सभी का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर में देखिए दो टर्म है, इस टर्म का पावर तो 1 है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे स्क्वायर है, स्क्वायर को रूट के साथ बाहर निकाल के जब आप देखेंगे तब ये सिंगल पावर दिखेगा। आप बोलेंगे कि ये तो बाहर नहीं निकल सकता, हमने कब कहा है कि इसको बाहर निकालना है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि होमोजेनियस है या नहीं है चेक करने के लिए। बीच में अगर प्लस या माइनस रहता है उस प्लस माइनस को नहीं देखना, आपको इंडिविजुअल टर्म को देखना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, इंडिविजुअल टर्म का मतलब होगा आप यहाँ पर केवल रूट अंडर एक्स स्क्वायर देख पा रहे हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब केवल बाहर में एक्स आएगा। अगर आपको इधर से देखना है तो आपको इस एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तब आपको रूट अंडर वाई स्क्वायर दिख रहा होगा। रूट अंडर वाई स्क्वायर में भी ये रूट से बाहर निकल कर केवल वाई बनेगा। इस तरह से आपने देखा कि हर एक टर्म का पावर सिंगल है। हर एक टर्म का पावर सिंगल है मतलब अपने आप में वो होमोजीनियस है। और अगर अपने आप में होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, वो तरीका ये था कि आप y की जगह पर वी एक्स पुट करें। y की जगह पर वी एक्स पुट करना है और dy by dx की जगह पर v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट करना है। याद रखिएगा, जब भी होमोजीनियस होगा सॉल्व करने के लिए बस यही एक मेथड ही होता है, y की जगह पर आप वी एक्स पुट करिए और dy by dx की जगह पर v प्लस एक्स dv by dx पुट कर दीजिए। ये dy by dx है, इस dy by dx की जगह पर हमने v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट कर दिया। जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ वहाँ हमें vx पुट करना है। तो ये y का स्क्वायर था तो ये v स्क्वायर x स्क्वायर बन गया। इस रूट के अंदर आप ध्यान से देखिए कि अगर आप x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये आपका 1 प्लस v स्क्वायर बनेगा। रूट के अंदर अगर आपका x स्क्वायर है तो बाहर निकल कर ये केवल x बनेगा। बाहर निकलकर अगर ये x बनेगा तो न्यूमरेटर से आप सोचिए क्या कॉमन निकलेगा। न्यूमरेटर से आपका केवल कॉमन x निकलेगा और वो x डिनोमिनेटर के x को काटेगा। न्यूमरेटर से आपको x कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के x से काटने के बाद आपको जो है राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। LHS में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, ये अपना वैसे का वैसे चला आ रहा है। इसके बाद आप इस v और इस v को ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद आपके पास फाइनल क्या बचा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस वी स्क्वायर रूट अंडर वाले को आपने इधर शिफ्ट कर देना है और x को इधर शिफ्ट कर देना है। dv और dx ध्यान रखिए न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए। सारे वेरिएबल्स को उनके प्रॉपर जगह पर शिफ्ट करने के बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंटीग्रेशन के। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर है, इसी को पलट के 1 अपॉन रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। हमने उसको चेंज करके ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद दिलाना है कि आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सम स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा है। उन सम स्पेशल इंटीग्रल्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का। यहाँ वही फॉर्मूला लगाकर हमने इसे इंटीग्रेट किया, और जैसा कि हमने पिछले बार भी बात किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट करते समय सारे टर्म अगर लॉग में आ रहे हों तो आर्बिट्री कांस्टेंट को भी आपको लॉग में रखना है। अगर सारे के सारे टर्म लॉग में आ रहे हैं तभी आपको अपने आर्बिट्री कांस्टेंट को लॉग में रखना है। बीच में कहीं पर भी एक टर्म ऊपर नीचे रहता या लॉग में नहीं आया रहता तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट भी लॉग में नहीं आता। इसके बाद इस लॉग एक्स को हमने इधर शिफ्ट कर लिया। लॉग एक्स को इधर शिफ्ट करने के बाद वी को हम वाई अपॉन एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वी आया था उसकी जगह पर वाई अपॉन एक्स को रिप्लेस करने के बाद जब यहाँ एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट लगेगा। ये रूट न्यूमरेटर पे रहेगा, डिनोमिनेटर पर भी आएगा। डिनोमिनेटर पे रूट लगेगा तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, बाहर निकल कर केवल आपको एक्स दिखेगा। अब दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आप इसको ऐसे सिंगल पावर में लिख सकते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर के साथ ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन और कुछ नहीं, लॉग एम अपॉन एन होता है। एम हमने इसको पढ़ा था, एन हमारे लिए ये था, तो ये एक्स यही नीचे आएगा, नीचे आकर ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तब तक आप इस लॉग और इस लॉग को देखिए ध्यान से, ये लॉग जो है इज इक्वल टू के पहले केवल एक सिंगल टर्म है लॉग वाला, इज इक्वल टू के बाद भी एक सिंगल टर्म है वो भी लॉग वाला, दोनों लॉग कैंसिल होंगे। लॉग कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का सी। ये एक्स स्क्वायर को जब आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दुनिया के जितने भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उन सभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक सा मेथड यही रहता है कि वाई को आपको वी एक्स पुट करना है और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुट करना है। इसके बाद सारे v वाले को एक साइड में और सारे x वाले को एक साइड में शिफ्ट करके आप उसे सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद v की जगह पर y अपॉन x पुट करके सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा वही आपका रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन होगा।